गाइस हमने करी एवरीडे 30 शॉर्ट्स अपलोड चैलेंज एंड लगातार 4,800 वीडियोस अपलोड करने के बाद मेरे चैनल पर 5.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स आ गए। मुझे पता है कि 4,000 वीडियोस अपलोड करना कोई आम बात नहीं, लेकिन सब्सक्राइबर्स भी आप लोग देख सकते हैं। मेरे चैनल पर इस टाइम 50 लाख से भी ऊपर सब्सक्राइबर्स है। ओए, तूने पैरों का दिखा दी। मैंने पहले भी कहा था कि रिजल्ट पहले दिखाना नहीं होता, लास्ट में होता है। ओए बॉबी, समझाओ इसको। ओ शिट, कट कर देना प्लीज। कट कर देना प्लीज। तो शॉर्ट्स अपलोड करने के लिए मुझे चाहिए था एक चैनल एंड ऑलरेडी मेरे पास एक ओल्ड चैनल था जिस पर 7,000 से 8,000 सब्सक्राइबर थे एंड वो बिल्कुल ही होल्ड चैनल था जिस पर मैंने कभी भी शॉर्ट्स अपलोड नहीं की थी एंड दरअसल उसमें मैं गेमिंग से रिलेटेड लॉन्ग वीडियोस अपलोड किया करता था। सो मेरा वो चैनल कम्प्लीटली फ्रीज हो चुका था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर शॉर्ट्स अपलोड की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। Day 1। सो इतना हमारे शॉर्ट्स अपलोड करने का पहला दिन। तो पहले दिन मैंने 10 शॉर्ट्स अपलोड किए एंड इन शॉर्ट्स में मैंने कोई भी कुल्हाड़ी नहीं मारी। मैंने सिंपली एक गेम डाउनलोड की एंड उसको स्क्रीन रिकॉर्ड करके उसके ऊपर एक बैकग्राउंड म्यूजिक लगाकर उसको मैंने अपलोड किए। तो सेम मैंने 10 वीडियो ऐसे बनाकर अपलोड कर दी। तो चलिए रिजल्ट देखते हैं, आइए देखते हैं मजा आएगा। तो मेरे सारे वीडियोस का रिजल्ट डिफरेंट था। एक वीडियो पे 2,400 व्यूज आए एंड इसका ऑडियंस रिटेंशन 56% था एंड दरअसल कुछ वीडियोस में 400 व्यूज आ गए एंड कुछ में व्यूज आया ही नहीं। सो आई वाज लाइक कोई बात नहीं वीडियो, आज पहला दिन था। Day 2। सो आज हमारे शॉर्ट्स अपलोड करने का दूसरा दिन था जिसमें से मैंने अगेन 10 वीडियोस अपलोड किए क्योंकि डेली अपलोड का लिमिट सिर्फ 10 है। तो इससे हमें कुछ ऐसा रिजल्ट मिला कि कुछ वीडियोस में 1700 व्यूज आ गए, कुछ में 1900 एंड आल्सो कुछ वीडियोस में 2400 व्यूज आ गए एंड कुछ में 400 व्यूज एंड कुछ में व्यूज आया ही नहीं। एंड आल्सो मैंने अपने सारे वीडियोस में रिसर्च की एंड मैंने देखा कि जिस वीडियोस पे कमेंट ज्यादा है वो वीडियो वायरल गया। तो मुझे कैसा ना कैसा करके अपने वीडियोस में कमेंट्स लाना था। सो कमेंट्स बढ़ाने के लिए मैंने एक और स्ट्रेटेजी अपनाया। सबसे पहले मैंने शॉर्ट्स का लिंक कॉपी किया एंड उसको इस वेबसाइट पे लाकर पेस्ट कर दी एंड पेस्ट करने के बाद यहाँ पे कमेंट वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक की एंड यहाँ से जितने मर्तबा आप लोग अपने वीडियो का लिंक शेयर करोगे उतनी मर्तबा आप लोगों को कमेंट्स मिलेंगे। तो चलिए अब रिजल्ट देखते हैं। Day 3। सो इस मर्तबा रिजल्ट थोड़ा शॉकिंग था क्योंकि मेरे सारे कमेंट्स अट गए थे लेकिन फिर भी मेरे वीडियोस पे 10K व्यूज आ गए थे एंड आल्सो इसका ऑडियंस रिटेंशन 82% था। सो अब कैसा ना कैसा करके मुझे अपने ऑडियंस रिटेंशन को 100 से ऊपर ले जाना था, तभी मेरे वीडियोस पे मिलियंस ऑफ मिलियंस व्यूज आएंगे। तो उसके लिए भी मैंने डिफरेंट चीजें ट्राई की। पहले मैं 2 बजे अपलोड करता था, अब शाम के 7 बजे अपलोड करने लगा एंड जिन वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं 5,000 वर्ड डालता था उनको मैंने एम्प्टी कर दिया। इट मींस उनमें मैंने बिल्कुल डिस्क्रिप्शन डाला ही नहीं एंड आल्सो उनमें टैग्स डालना भी मैंने बंद कर दिया। एंड आल्सो पहले मैं 45 से 50 सेकंड का वीडियो बनाता था, अब मैंने वीडियोस का टाइम ड्यूरेशन 25 से 30 सेकंड कर दिए। अब चलिए देखते हैं कि मेरे वीडियोस में क्या इम्प्रूवमेंट आती है। Day 14। आज है हमारे शॉर्ट्स अपलोड करने का 40वां दिन एंड इसमें मेरे एक वीडियो पे 17,000 व्यूज आ गए एंड इसका ऑडियंस रिटेंशन 84% था एंड एक वीडियो पे 19,000, एक पे 65,000 एंड कुछ में 30,000, 20,000 कुछ ऐसे व्यूज आ गए। एंड इसके बाद मेरा डाउट 100% क्लियर हो गए थे कि मैंने जितने भी चेंजेस लाए थे वीडियोस में उन्हीं के बाद मेरे वीडियोस जाकर वायरल हुए। जैसे फर्स्ट चेंजेस मैंने किया था कि 2 बजे से अपलोड को चेंज करके शाम को रख लिया एंड सेकंड मैंने अपने तमाम वीडियोस के डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स सब कुछ रिमूव कर दिए एंड थर्ड अपने वीडियोस का टाइम ड्यूरेशन 25 से 30 सेकंड के दरमियान रख दिया एंड फोर्थ एंड फाइनल वीडियो को वायरल करने के लिए कमेंट्स की 100% जरूरत होती है। Day 70। एंड इन सारे टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करने के बाद मैंने एक और वीडियो डाली जिस पर 14 लाख व्यूज आ गए एंड आल्सो इसका ऑडियंस रिटेंशन 90% था एंड आल्सो देन इसके बाद मेरे सारे वीडियोस ने रैंक करना स्टार्ट कर दिए एंड तमाम वीडियो पे 1 लाख 2 लाख 3 लाख आसानी से व्यूज आते थे एंड आल्सो अभी के इस टाइम पे आप लोग मेरे व्यूज देख सकते हैं जिसमें 200 मिलियन, 100 मिलियन, 90 मिलियन आसानी से व्यूज आते रहते हैं एंड आल्सो लास्ट 28 डेज में मैंने 11.8 मिलियन व्यूज गेन किए। सो अपने शॉर्ट्स चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग जाकर वहां से थोड़ा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। एंड आल्सो इससे पहले भी मैंने एक 90 डेज शॉर्ट चैलेंज वाली वीडियो बनाई थी, सो आप लोग उससे भी फायदा ले सकते हैं। जस्ट स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो शो रहा है उस पर टैप करें। हम मिलते हैं वहीं पे। बाय बाय।